हिसार में नगर निगम ने स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की है। पूरे हिसार शहर को डस्टबिन मुक्त कर दिया गया है। हिसार नगर निगम के इस स्वच्छता महाअभियान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। हिसार नगर निगम ने तीसरे महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। हिसार नगर निगम के चीफ इंजीनियर रामजीलाल इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुझे ये बताइए कि स्वच्छता महाअभियान को किस तरीके से समझा जाए। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग पहला विशाल जागरण, दूसरा विशाल जागरण, माता का जागरण करते हैं, इस तरह नगर निगम ने अपना जो तीसरा महास्वच्छता अभियान इस वर्ष मना रहा है 2020 के अंदर, तो ये हमारा नगर निगम का तीसरा स्वच्छता महाअभियान है, जिसके अंदर हम जो शहर है, पूरे नगर निगम के 20 वार्ड हैं, 20 वार्डों के हमने 105 या 106 हमने लोकेशन आइडेंटिफाई किए हमारे ASI और CSI और दरोगाओं ने मिलकर के, वो 103 लोकेशंस के ऊपर अलग अलग हमारी 30 से 32 के करीब JCB मशीन लगी हुई हैं और करीब हमारे 100 के करीब हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली और ये हैं अलग अलग जो 103 पॉइंट्स हैं उनको जा कर के आज पूरा दिन ये एक स्वच्छता महाअभियान के रूप में, और इसमें मेयर साहब, नगर निगम के सभी पार्षद और अलग से बहुत सारे NGOs हैं। इस स्वच्छता जो महाअभियान है, इसकी जो खूबसूरती है वो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ पर नगर निगम से कोई भी पैसा खर्च किया नहीं जाता है। ये जो स्वच्छता तीसरा महाअभियान है, इसके अंदर जो नगर निगम के जो इस एरिया के अंदर जितने लोग हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वो सभी लोग मिलकर के इसमें सहयोग करते हैं और बिना नगर निगम से कोई खर्चा किए सभी लोगों के सहयोग से एक जन अभियान के रूप में ये स्वच्छता महाअभियान अपनाया जाता है। स्वच्छता महाअभियान हिसार नगर निगम की तरफ से चलाया गया है। खास बात यह है कि बिना किसी सरकारी खर्च के इतना बड़ा स्वच्छता महाअभियान हिसार में चलाया जा रहा है, और आगे की जानकारी यह है कि हिसार को अब हिसार नगर निगम डस्टबिन मुक्त भी करने जा रहा है। डस्टबिन मुक्त करने को लेकर हिसार नगर निगम की तरफ से क्या रणनीति तैयार की गई है, इसी पर बातचीत हम करेंगे। मुझे बताइए कि डस्टबिन मुक्त करने की तैयारी भी हिसार नगर निगम की तरफ से की गई है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारा नगर निगम हिसार क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों के कुछ पुराने डस्टबिन पड़े हुए थे, और वो जो डस्टबिन पड़े हुए थे वो भी इस तरह के थे कि दोनों तरफ से डस्टबिन बिल्कुल फटे हुए थे, खुले हुए थे। जब वो कूड़ा लेकर के जाते थे हमारे डंपर प्लेसर से, तो शायद आधा कूड़ा वो सड़कों पर खिंडाते हुए जाते थे। तो इसको लेकर के अभी हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था नगर निगम, लेकिन आज के दिन मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे पॉइंट्स ऐसे थे कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति अगर नगर निगम में से क्रॉस करता था तो उसे लगता था कि शायद नगर निगम के जो वो डस्टबिन फटे हुए थे वो मुंह झांकते थे, हमें चिढ़ाते हुए नजर आते थे। तो अब नगर निगम ने क्या काम किया कि पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंदर से आपको कहीं पे अगर आप शहर में घूम करके देखोगे कहीं पे कोई डस्टबिन नहीं मिलेगा, आप करके चले जाओ। हिसार नगर निगम के पार्षद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो महास्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है किस तरीके से आगे बढ़ेगा? बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो महाअभियान है स्वच्छता का, ये कम से कम 2 महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनता है अभी पूरी जागरूक नहीं है। अब हम यहाँ साफ सफाई करके जा रहे हैं, कल यहाँ फिर गंद फोज मिल जाएगा हमारे को। इसी तरह शमशान भूमि के आगे भी हम हफ्ते करते रहते हैं, लेकिन अगले दिन देखते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट हो जाता है। चलिए, काबिले तारीफ ये काम कहा जा सकता है। हिसार नगर निगम ने बिना किसी सरकारी खर्च के महास्वच्छता अभियान की शुरुआत की और पूरे शहर को साफ करने का जिम्मा उठाया, उसके साथ ही हिसार शहर को अब डस्टबिन।